शहर के ब्यावर खास रोड स्थित श्री ज्वालामुखी माता जी का मंदिर माता के भक्तों की आस्था का केंद्र है। पहाड़ पर स्थापित होने के कारण इसे डूंगरी माता जी के नाम से पहचाना जाता है। नवरात्रि के दौरान मंदिर परिसर में दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। शहर से दूर तथा जंगल में स्थापित होने के बाद भी श्रद्धालुओं की श्रद्धा मंदिर से जुड़ी हुई है। नवरात्र के अवसर पर शहर तथा ग्रामीण क्षेत्र के श्रद्धालु प्रतिदिन माता के दरबार में नंगे पांव जाकर हाजिरी देते हैं। प्रतिदिन सुबह तथा संध्या आरती में भारी भीड़ मंदिर में रहती है। श्री ज्वालामुखी माता जी के डूंगरी न्यास के मंत्री जितेंद्र दादीज के अनुसार मंदिर के शहर के बाहर स्थापित होने के कारण मंदिर परिसर का दृश्य और भी रमणीक हो जाता है। वर्षा ऋतु के समय यहां पर श्रद्धालु पर्यटकों की आवाजाही बनी रहती है। मंदिर के आसपास जंगली जानवर भी विचरण करते रहते हैं, लेकिन आज तक किसी भी जंगली जानवर द्वारा किसी पशु और मनुष्य को किसी प्रकार का कोई हानि नहीं पहुंचाई गई है। श्रद्धालु इसे माता जी का ही आशीर्वाद मानते हैं। मालूम हो कि ब्यावर शहर के संस्थापक कर्नल जॉर्ज डिक्शन धार्मिक प्रवृत्ति के शासक थे। उन्होंने ब्यावर शहर की स्थापना के साथ ही शहर में धार्मिक स्थलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया और शहर के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक स्थलों की स्थापना की। इसी कड़ी में सन 1845 में कर्नल डिक्शन ने शहर के बाहर ब्यावर खास रोड पर श्री ज्वालामुखी माता के मंदिर की स्थापना की। इस दौरान उन्होंने माता जी के नाम जमीन का पट्टा व ताम्रपत्र भी जारी किया। वर्तमान में मंदिर ट्रस्ट के पास माता जी मंदिर के पास कई एकड़ कृषि भूमि भी है। श्रद्धा की प्रतिमूर्ति ज्वालामुखी माता जी के दरबार में सच्चे मन से अरदास करने वालों की माता जी हमेशा झोलियां भरती है। पर्व के दौरान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। शारदीय बासंती नवरात्र के दौरान दुर्गाष्टमी माता जी के यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के श्रद्धालु भाग लेते हैं। मेले की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाले भजन कीर्तन कार्यक्रम में भी भजन गायक माता जी के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। मेले के मौके पर अनेक धर्म संगठनों के लोग माता जी के दरबार में ध्वज चढ़ाने के लिए पहुंचते हैं। ढोल नगाड़ों की धुनों के साथ माता जी के भजनों पर नाचते गाते श्रद्धालु नंगे पांव ही माता के दरबार में पहुँचते हैं। ये ज्वालामुखी माता का मंदिर ब्यावर शहर से 4 किलोमीटर दूर किसनगढ़ रोड पर स्थित है। पहाड़ी पर स्थित है। वर्ष में दो बार चैत्र नवरात्रि और आशो शुक्ला नवरात्रि में दोनों पर यहाँ पर दुर्गाष्टमी की विशेष पूजा अर्चना होती है। वह दुर्गाष्टमी के मेले लगते हैं। तीन मंदिर के इतिहास के अनुसार ये मंदिर 1845 से पहले से स्थापित है। ब्यावर नगर के तत्कालीन अंग्रेज ब्रिटिश शासक कर्नल डिक्सन ने इस मंदिर का ताम्रपत्र सेवा पूजा अर्चना करने के लिए तत्कालीन पुजारी को 1845 में दिया। माता के भक्तों की श्रद्धा अर्चना से साल भर तक यहाँ दर्शनार्थी आते रहते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। सावन मास में भगवान शिव की अर्चना करते हैं और जात जडूला सवामणि प्रसादी चढ़ाते हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी होती है, दुख तकलीफें दूर होती है। कोरोना काल के बाद में इस नवरात्रि में बहुत खुशहाली है और बहुत लोगों में उत्साह है और भक्त लोग बहुत भीड़ से आ रहे हैं। 9 दिन तक जबरदस्त भीड़ रही है लोगों की और आज दुर्गाष्टमी के पावन पर्व पर भक्तों का एक मेला उमड़ गया है और लोगों में खुशहाली है और देश की राष्ट्र की खुशहाली के लिए कामना करते हैं। कई प्रकार के लोगों की श्रद्धा होती है। कोई दंडवत करते हुए शहर से आते हैं, कोई नीचे से आते हैं, कोई घुटनों के बल आते हैं और कई श्रद्धालु नंगे पांव आते हैं और बच्चे महिलाएं झंडा लेके और शहर से ध्वज लेके पैदल आते हैं। हमारे मंदिर न्यास की तरफ से मंदिर की लाइट व्यवस्था, साफ सफाई व्यवस्था, पूजा अर्चना और मंदिर की व्यवस्था, ये राख रख रखाव इत्यादि मंदिर न्यास करता है और रात्रिकालीन मंदिर पे चौकीदार रहता है और मंदिर पे रोज पूजा अर्चना आरती होती है। ब्यावर शहर खुशहाली करे, तरक्की करे और ब्यावर को माता जी जिला बनाए।